MG Motor India ने recently launch करी थी अपनी 2023 updated MG Hector और इस गाड़ी के साथ उनका main मुद्दा ये था कि अपने evolving customer base को खुश रख सके और keep the competition on its toes. And along with a host of upgrades to the exterior and interior styling, आपको मिलते हैं added features और safety systems in order to spruce up the outgoing version. और इस वीडियो में हम आपकी तरफ लाए हैं एक detailed variant analysis of the new 2023 MG Hector और हमारा recommendation सबसे best variant के लिए. तो शुरू करते हैं. और जिससे पहले अपने वेरिएंट वाइज फीचर्स कंपैरिजन पे पहुंचे, हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं और व्हाट्स चेंज्ड इन द न्यू मॉडल. अगर हम एक्सटीरियर अपग्रेड के साथ शुरू करें तो आपको मिलता है एक लार्जर न्यूली डिजाइन फ्रंट ग्रिल, उसके साथ अपग्रेडेड टेल लैम्प क्लस्टर. बट सबसे ज्यादा जो चेंजेस है वो है अंदर. आपको मिलता है एक रीडिजाइन डैशबोर्ड लेआउट, एसी वेंट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री. और अगर फीचर्स की बात करें तो इट नाउ गेट्स अ लार्जर 14-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विच ऑल्सो ब्रिंग्स फंक्शनैलिटी फॉर द सनरूफ. उसके ऊपर आपको मिलते हैं लेवल 2 ADAS फीचर्स. और ये जो ADAS फीचर्स हैं आपको मिलेंगे MG Aster में भी, लेकिन उसके ऊपर आपको मिलेगा ट्रैफिक जैम असिस्ट एंड ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेटर्स. तो ओवरऑल अगर 2023 MG Hector की एक ओवरव्यू दें तो द बेसिक स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स आपको लार्जली सिमिलर मिलते हैं पुराने वर्जन से, जो लेकिन जो एडिशंस हैं जो 2023 की गाड़ी में आए हैं वो इस गाड़ी को एक बेहतर प्रोडक्ट बना देते हैं. उसके ऊपर आपको मिलेंगे 6 वेरिएंट्स टू चूज फ्रॉम: स्टाइल, शाइन, स्मार्ट, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो एंड सैवी प्रो. फिर हम बात करते हैं डायमेंशंस की. न्यू MG Hector को मिलता है एक लेंथ ऑफ 4699 मिलीमीटर्स, उसके साथ विथ ऑफ 1835 मिलीमीटर्स, हाइट of 1760 millimeters, और अगर व्हील बेस की बात करें तो वो है 2750 millimeters. लेकिन स्टाइल वेरिएंट जो है उसका लेंथ है 4655. फिर इंजन स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलें तो 2023 MG Hector के साथ आपको दो इंजन और दो ट्रांसमिशन चॉइसेस मिलते हैं. जो पहला चॉइस है वो है एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट जो बनाता है 141 bhp और 250 nm ऑफ पीक टॉर्क. ये इंजन आपको मिलता है आइदर विद अ 6 स्पीड मैनुअल और CVT. फिर हम चले 2 लीटर डीजल इंजन की तरफ. ये बनाता है 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क. लेकिन जो डीजल इंजन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ विच वेरिएंट यू चूज. जो बेसिक स्टाइल वेरिएंट है ऑफ द MG Hector ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल तो है, लेकिन आपको कुछ फीचर्स सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू सी द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन. जो आपको मिलेगा वो है हैलोजन हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स, LED DRLs, 17 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर, सिल्वर फिनिश्ड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, रूफ स्पॉइलर एंड टर्न इंडिकेटर्स ऑन द ORVM. और फिर अगर अंदर चले और स्टाइल वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो आपको मिलेगा एक 8.9 सेंटीमीटर का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले विद एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री, लेदरेट डोर आर्मरेस्ट एंड डैशबोर्ड इंसर्ट, सिल्वर फिनिश्ड डोर हैंडल्स, हैलोजन रीडिंग लैंप्स, टूड इन ब्लूटूथ साउंड सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर एडजस्टेबल ORVMs, second row AC vents, first and second row fast charging points and rear windshield and washer. Fir agar price pe aaye to the style variant is only available with the petrol motor and manual transmission aur iska price hai 14.72 lakh ex showroom. Fir chalte hain shine pe, and what you get in the shine variant in terms of exterior features are LED projector headlamps, full LED tail lights, halogen front fog lamps, LED rear fog lamps, 17-inch alloy wheels, chrome door handles if you choose the CVT version, shark fin antenna and the all-new Argyle-inspired diamond mesh grille. फिर देखते हैं शाइन के इंटीरियर फीचर्स पे. ये ओवर द स्टाइल वेरिएंट आपको देगा एक 10-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्रॉम द ओल्ड MG Hector, Wired Android Auto and Apple CarPlay, एक 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम,
स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, ड्राइव मोड्स अगर आप चूज करेंगे सीवीटी वेरिएंट, पुश बटन स्टॉप स्टार्ट फंक्शन, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन ऑपरेटेड एसी यूनिट, इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर्स, रिमोट की ओपनिंग सनरूफ एंड विंडोज, टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील। लेकिन MG मोटर इंडिया ने प्राइसेस अभी अनाउंस नहीं करी है फॉर द 2023 हेक्टर इन द शाइन वेरिएंट। फिर चलते हैं स्मार्ट वेरिएंट की तरफ, और ये एक्सटीरियर फीचर्स तो आपको इतने नहीं देता ओवर द शाइन वेरिएंट, लेकिन जो आपको देगा वो है क्रोम इंसर्ट ऑन द फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, ब्लेड स्टाइल वन पीस LED टेल लाइट्स, 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स इन ऑल वर्जन्स। फिर अंदर की तरफ चलते हैं, एंड द स्मार्ट वेरिएंट ब्रिंग्स इन मोर एडिशंस देन एक्सटीरियर फीचर्स इनसाइड, और जो आपको मिलेगा वो है 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम विद एम्पलीफायर एंड सनरूफ, आई स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स, एक लार्ज डोर पेन पैनोरामिक सनरूफ, क्रोम डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर मेटालिक स्कफ प्लेट्स एंड LED रीडिंग लैंप्स। फिर चलते हैं प्राइस की तरफ, और स्मार्ट वेरिएंट इज प्राइस्ड एट 16.79 लाख फॉर द पेट्रोल मैनुअल मॉडल, और ये जाता है 17.98 लाख तक फॉर द पेट्रोल ऑटोमेटिक, और फिर अगर आप डीजल इंजन चूज करते हैं जो आपको मिलेगा सिर्फ 6-speed मैनुअल के साथ, वो आपको कॉस्ट करेगा 19.06 लाख। नाउ वी कम टू द स्मार्ट प्रो वेरिएंट, और स्मार्ट प्रो वेरिएंट ऑन द अदर हैंड ओवर द स्मार्ट वेरिएंट आपको देगा LED फ्रंट फॉग लैंप्स, क्रोम फिनिश बेल्ट लाइन एंड क्रोम फिनिश बॉडी क्लैरिंग। लेकिन जो सबसे ज्यादा एडिशंस आपको स्मार्ट प्रो वेरिएंट में देखेंगे ओवर द स्मार्ट वेरिएंट विल बी इनसाइड, क्योंकि ये आपको देता है द ऑल न्यू 14 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल टोन ओक व्हाइट एंड ब्लैक इंटीरियर थीम, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो डिमिंग IRVM, पावर एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग ORVMs, 4-way ऑटो अप एंड डाउन विंडोज एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स। और प्राइसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि द स्मार्ट प्रो वेरिएंट विल ओनली बी अवेलेबल इन द मैनुअल वर्जन्स ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स, और इनकी प्राइसेस है 17.98 लाख फॉर द पेट्रोल मैनुअल मॉडल एंड 20.09 लाख फॉर द डीजल मैनुअल ऑप्शन। फिर हम चलते हैं शार्प प्रो वेरिएंट पे, और अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करूं तो द शार्प प्रो वेरिएंट गेट्स द एग्जैक्ट सेम फीचर्स दैट यू गेट इन द स्मार्ट प्रो वेरिएंट, बट यू डू गेट अ होस्ट ऑफ एडिशंस टू द इंटीरियर, एंड ओवर द फीचर्स व्हिच यू गेट इन द स्मार्ट प्रो, द शार्प प्रो एड्स अ प्रीमियम साउंड सिस्टम बाय इन्फिनिटी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमेटिक टेलगेट ओपनिंग, 4-way पावर एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड टच स्क्रीन ऑपरेटेड AC यूनिट विद ऑटोमेटिक AC फंक्शन। फिर चलते हैं प्राइस की तरफ, एंड द शार्प प्रो वेरिएंट इज प्राइस्ड एट 19.44 लाख फॉर द पेट्रोल मैनुअल मॉडल, ये जाता है 20.77 लाख फॉर द पेट्रोल ऑटोमेटिक, और फिर अगर डीजल मैनुअल की बात करें तो ये आपको कॉस्ट करेगा 21.5 लाख। Then finally, we come to the top end and the fully loaded version of the 2023 MG Hector, which is Savvy Pro. So here, I will tell you that the Savvy Pro gets the exact same features on the outside as the Smart Pro version and the Sharp Pro version. So here, you will not get any difference. But a big difference lies in the mechanical and safety aspect. Because over the Sharp Pro and the Smart Pro, जो आपको मिलेगा इन द सेवी प्रो विल बी द ADAS लेवल 2 फीचर्स, और अगर आपको इन ADAS लेवल 2 फीचर्स के बारे में जानना है तो वी मेड अ डिटेल्ड फर्स्ट लुक वीडियो ऑफ द 2023 MG Hector, जहां हम आपको बताएंगे इन सारे ADAS लेवल 2 फीचर्स के बारे में, और इसका लिंक आपको दिख रहा होगा ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। फिर फाइनली हम आते हैं 2023 MG Hector Savvy Pro की प्राइसेस की तरफ, और ये आपको सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल में मिलेगा, बिकॉज MG हैज डिसाइडेड टू ओनली ऑफर द ADAS फीचर्स विद ऑटोमेटिक वर्जन्स, एंड एज अ रिजल्ट द Savvy Pro इज ओनली अवेलेबल विद वन इंजन एंड वन ट्रांसमिशन ऑप्शन विच इज द पेट्रोल ऑटोमेटिक, एंड दिस कॉस्ट 21.72 लाख।
फिर अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो दैट वुड बॉयल डाउन टू टू ऑप्शंस। अगर आप एमजी हेक्टर चाहते हैं इन इट्स फुली लोडेड फॉर्म विद द एडास सेफ्टी सिस्टम्स, अनफॉर्चुनेटली आपके पास एक ही ऑप्शन है विच इज द सैवी प्रो विच कॉस्ट 21.72 लाख। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक स्पेशियस फेयरली वेल इक्विप्ड फैमिली एसयूवी और आप कुछ हाई एंड फीचर्स खोने के लिए रेडी हैं तो हमारी पिक ऑफ द सिक्स वेरिएंट्स वुड बी द स्मार्ट वेरिएंट। इसका प्राइस अच्छा है, वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एमजी हेक्टर से, एंड आपको चॉइस भी देगा ऑफ चूजिंग बिटवीन द पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड द डीजल इंजन ऑप्शंस। और उसी के साथ दोस्तों हम आ जाते हैं अपने वेरिएंट कंपैरिजन वीडियो के अंत पे। While the features and engine options are at the customer's discretion, हमारे ओपिनियन में MG Hector is a well-loaded product जो एक अच्छा choice होएगा जो चाहते हैं एक mid-size family SUV। और उसी के साथ आप हमें बताएं कि आपको कौन सा variant ज़्यादा appeal करता है और आप कौन सा choose करेंगे, ये हमें comment section में बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please मेरी विनती है हमें support करें by hitting that like button and subscribing for more such videos।